Assalamoalekum friends, welcome to my channel Mehnaz kitchen. कैसे हैं आप सब friends? आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी. आज हम बनाएंगे दही चिकन. ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है इसमें. तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज सबसे पहले आपको देखने को मिले. सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं. इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है, 200 ग्राम कर्ड है ये. इसको अच्छे से बीट करेंगे कर्ड को. अब इसमें ऐड करेंगे हम दूसरे स्पाइसेस. हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें हम. इसमें हम कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे. ये कम तीखी होती हैं और कलर बहुत अच्छा आता है इससे. हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर इसको भी ऐड करेंगे. अब इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे. ये सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं. ये 1 kg चिकन लिया है, इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है. अब इस चिकन पीसेस को हम इस अपने मैरिनेशन में मिक्स करेंगे और इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं, कर्ड है, ये सब सारे पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाए. देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे पीसेस के साथ. अब हम इस मैरिनेटेड चिकन को 1 आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसको हम कुक करेंगे. 1 आवर हो चुका है, हमने चिकन को मैरिनेट के लिए रखा था. अब हम इसको कुक करेंगे. पैन ले लिया है हमने, इसमें ऑयल गरम कर लिया है और ये 1/2 कप ऑयल है और ये अच्छे से गरम हो चुका है. ये 4 हरी इलायची ली है, इसमें डाल देंगे. 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया है. ये ऑयल में डालेंगे. प्याज को हमें लाइट पिंकिश होने तक फ्राई करना है. देखिए, प्याज हमारी लाइट पिंकिश हो गई है, हल्की गुलाबी सी. ये हमने 8 हरी मिर्च ली है और ऐसे इसको लंबाई में काट लिया है. इसमें डाल देंगे, ये इसको चला लेंगे. अब इसमें हम डालेंगे अपने मैरिनेटेड चिकन पीसेस. देखिए, दही चिकन है, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है. बस जितने इंग्रेडिएंट्स हमने डालने थे वो सब मैरिनेशन में ही डाल दिए. अब हमें कुछ नहीं डालना है इसमें. अब इसको सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे. टेंडर होने तक पकाएंगे कवर करके मीडियम फ्लेम पर. 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसको ओपन करके देखते हैं चिकन ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है. हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है. देखिए, ये दही चिकन जो हम बना रहे हैं, ये हम ड्राई दही चिकन बनाएंगे आज, और ये अपने ही जूसेस में चिकन टेंडर हो जाएगा. हम कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे. कवर कर देते हैं इसको, अच्छे से कुक करेंगे. 15 मिनट्स हो चुके हैं, इसको ओपन करके देखते हैं. देखिए, चिकन माशाल्लाह बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और चिकन जो है टेंडर भी लग रहा है. बस अब हमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे. अब हम ये जो दही चिकन होता है, इसको ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने इसे ड्राई फॉर्म में बनाया है. ऐसा ये बहुत लजीज लगता है ड्राई फॉर्म में. तो इसमें देखा आपने कितने कम स्पाइसेस का यूज़ किया गया है और कितना ईजी बन गया है. तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. चलिए, आइए अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, हमारा दही चिकन एकदम से रेडी है. तो आपने देखा कितना ईजी है इसको बनाना, कितनी ईजी रेसिपी है ये. इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी. फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.